की भी बात करूंगा। हम सभी हिंदुस्तानवासियों के दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत लगाव है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरिक होगा जो उनके प्रति आदर न रखता हो, सम्मान न करता हो। वो उम्र में हम सभी से बहुत बड़ी है और देश के अलग अलग पड़ावों, अलग अलग दौर की वो साक्षी हैं। हम उन्हें दीदी कहते हैं, लता दीदी। वो इस 28 सितंबर को 90 वर्ष की हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। ये बातचीत वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। मैं इस तरह के व्यक्तिगत संवाद के बारे में कभी बताता नहीं, लेकिन आज चाहता हूं कि आप भी लता दीदी की बातें सुने, उस बातचीत को सुने, सुनिए कि कैसे आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुक है, तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है, बदलते हुए भारत में है, नई ऊंचाइयों को छू रहे भारत में है। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा, जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो। अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी हैं, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वो वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है, तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माता जी को पांव छू के आए, देखा तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को याद था और वो मुझे बता रही थी। जी हाँ। और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के साथ ही आज से त्योहारों का माहौल फिर एक बार नए उमंग, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नए संकल्प से भर जाएगा। फेस्टिवल सीजन है ना, आगे कई हफ्तों तक देश भर में त्योहारों की रौनक रहेगी। हम सभी नवरात्रि महोत्सव, गरबा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, अनगिनत त्योहार मनाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहारों में परिवार के सब लोग साथ आएंगे, घर खुशियों से भरे होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन त्योहारों की खुशियों से वंचित रह जाते हैं, और इसी को तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। शायद ये कहावत सिर्फ शब्द नहीं है, हम लोगों के लिए एक आदेश है, एक दर्शन है, एक प्रेरणा है। सोचिए, एक तरफ कुछ घर रोशनी से जगमगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी के सामने आसपास कुछ लोगों के घरों में अंधेरा छाया होता है। कुछ घरों में मिठाइयां खराब हो रही होती हैं, तो कुछ घरों में बच्चे मिठाई तरसते हैं। कहीं अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं होती तो कहीं ढकने की मशक्कत चलती है। क्या चिराग तले अंधेरा नहीं कहेंगे? यही तो चिराग तले अंधेरा है। इसे चिराग तले अंधेरा नहीं कहेंगे? यही तो चिराग तले अंधेरा है। इन त्योहारों का असली आनंद तभी है जब ये अंधेरा छटे, ये अंधेरा कम हो, उजियाला फैले, हम वहां भी खुशियां बांटे जहां अभाव है, और ये हमारा स्वभाव भी हो। हमारे घरों में मिठाइयों की, कपड़ों की, गिफ्ट्स की जब डिलीवरी इन हो तो एक पल डिलीवरी आउट के बारे में भी तो सोचे। कम से कम हमारे घरों में जो अधिकता में है, जिसको अब हम काम में नहीं लेते, ऐसी चीजों की तो डिलीवरी आउट जरूर करें। कई शहरों में कई एनजीओज, युवा साथियों के स्टार्टअप्स ये काम करते हैं। वो लोगों के घरों से कपड़े, मिठाइयां, खाना सब कुछ इकट्ठा कर जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ करके उन तक पहुंचाते हैं और गुमनाम गतिविधि करते हैं। क्या इस बार त्योहारों के सीजन में पूरी जागरूकता और संकल्प के साथ इस चिराग तले अंधेरे को मिटा सकते हैं? कई गरीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान त्योहारों पर आपकी खुशियां दोगुना कर देगी। आपका चेहरा और चमकेगा, आपका दिया और प्रकाशमान हो जाएगा, आपकी दिवाली और रोशन हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दीपावली में सौभाग्य और समृद्धि के रूप में लक्ष्मी का घर घर आगमन होता है। परंपरागत रूप से लक्ष्मी का स्वागत है। क्या इस बार हम नए तरह से लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं? हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना गया है, क्योंकि बेटी सौभाग्य और समृद्धि लाती है। क्या इस बार हम अपने समाज में, गांवों में, शहरों में बेटियों के सम्मान के कार्यक्रम रख सकते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम रख सकते हैं? हमारे बीच कई ऐसी बेटियां होगी जो अपनी मेहनत और लगन से, टैलेंट से
परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर रही होंगी। क्या इस दिवाली पर भारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कार्यक्रम हम कर सकते हैं? हमारे आसपास कई बेटियां, कई बहुएं ऐसी होंगी जो असाधारण काम कर रही होगी। कोई गरीब बच्चों की पढ़ाई का काम कर रही होगी, कोई स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने में जुटी होगी, तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनकर समाज की सेवा कर रही होगी, वकील बनकर के किसी को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करती होगी। हमारा समाज ऐसी बेटियों की पहचान करे, सम्मान करे और उन पर अभिमान करे। इनके सम्मान के कार्यक्रम देश भर में हो। एक काम और कर सकते हैं कि इन बेटियों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शेयर करें और हैशटैग यूज करें, हैशटैग भारत की लक्ष्मी। जैसे हम सब ने मिलकर एक महाअभियान चलाया था, सेल्फी विथ डॉटर, और वो दुनिया भर में फैल गया था, उसी तरह इस बार हम अभियान चलाएं भारत की लक्ष्मी। भारत की लक्ष्मी के प्रोत्साहन का मतलब है देश और देशवासियों की समृद्धि के रास्ते मजबूत करना। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात का मैंने पहले भी कहा था, बहुत बड़ा लाभ है कि मुझे कई जाने अनजाने लोगों से प्रत्यक्ष परोक्ष संवाद करने का सौभाग्य मिल जाता है। पिछले दिनों दूर सुदूर अरुणाचल से एक विद्यार्थी ने, अलीना तायंग, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र भेजा है और उसने लिखा है, मैं पत्र पढ़ देता हूं आपके सामने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अलीना तायंग है, मैं रोइंग अरुणाचल प्रदेश से हूं। इस बार जब मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि तुमने एग्जाम वॉरियर्स किताब पढ़ी क्या? मैंने बताया कि यह पुस्तक तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन वापस जाकर मैंने यह किताब खरीदी और फिर से उसे 2-3 बार पढ़ गई। इसके बाद मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा। मुझे लगा कि यदि मैंने ये किताब एग्जाम से पहले पढ़ी होती तो मुझे काफी लाभ होता। मुझे इस किताब से कई पहलू बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने ये भी चीज देखी कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इस बुक में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर आप किताब के नए एडिशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स और टीचर्स को लेकर कुछ और मंत्र, कुछ और कंटेंट जरूर शामिल करें। देखिए, मेरे युवा साथियों को भी भरोसा है कि देश के प्रधान सेवक को काम बताएंगे तो हो ही जाएगा। मेरे नन्हे से विद्यार्थी मित्र, पहले तो पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद। एग्जाम वॉरियर 2-3 बार पढ़ने के लिए धन्यवाद, और पढ़ते समय उसमें से क्या कमी है ये भी मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मेरे इस नन्हे से मित्र ने मुझे काम भी सौंप दिया है, कुछ करने का आदेश दिया है। मैं जरूर आपके आदेश का पालन करूंगा। आपने जो कहा है कि अगर मैं नई एडिशन के समय निकाल पाऊंगा तो जरूर उसमें मैं पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए कुछ बातें लिखने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि क्या मुझे आप लोग मदद कर सकते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या अनुभव करते हैं? देश के सारे विद्यार्थियों से, टीचर से, पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप स्ट्रेस फ्री एग्जाम से जुड़े पहलुओं को लेकर के अपने अनुभव मुझे बताइए, अपने सुझाव बताइए। मैं जरूर उसका अध्ययन करूंगा, उस पर मैं सोचूंगा और उसमें से जो मुझे ठीक लगेगा उसको मैं मेरे अपने शब्दों में, अपने तरीके से जरूर लिखने का प्रयास करूंगा। और हो सकता है अगर आपके सुझाव ज्यादा आएंगे तो मेरी नई एडिशन की बात भी पक्की हो जाएगी। तो मैं इंतजार करूंगा आपके विचारों का। अरुणाचल के हमारे नन्हे से दोस्त विद्यार्थी अलीना तायंग को
फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रमों के विषय में जानते भी हैं, व्यस्तता की चर्चा भी करते हैं, लेकिन आपको मालूम है ना, मैं भी आप ही के जैसा एक सामान्य इंसान हूं, एक सामान्य नागरिक हूं, और इसलिए एक सामान्य जिंदगी में जो जो चीजों का प्रभाव होता है, वैसा प्रभाव मेरे जीवन में मेरे मन को भी होता है, क्योंकि मैं भी तो आप ही के बीच से निकला हूं ना। देखिए, इस बार यूएस ओपन में जीत के जितने चर्चे थे, उतने ही रनर अप डेनिल मेदवेदेव के स्पीच के भी थे, सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था, तो फिर मैंने भी वो स्पीच सुनी और मैच भी देखा। 23 साल के डेनिल मेदवेदेव ही वे 19 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और टेनिस के लीजेंड राफेल नडाल से फाइनल में हार गए थे। इस अवसर पर कोई और होता तो वह उदास और निराश हो गया होता, लेकिन उनका चेहरा मुरझाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी बातों से सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनकी विनम्रता, सरलता और ट्रू सेंस में, लेटर एंड स्पिरिट में, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो रूप देखने को मिला, हर कोई कायल हो गया। उनकी बातों का वहां मौजूद दर्शकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डेनिल ने चैंपियन नडाल की भी जमकर के तारीफ की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार नडाल ने लाखों युवाओं को टेनिस के लिए प्रेरित किया है, साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ खेलना कितना मुश्किल था। कड़ी टक्कर में हार के बाद भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नडाल की तारीफ कर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जीता जागता सबूत दे दिया। हालांकि दूसरी तरफ चैंपियन नडाल ने भी डेनिल के खेल की जमकर सराहना की। एक ही मैच में हारने वाले का जोश, हारने वाले की नम्रता, दोनों देखने लायक थी। यदि आपने डेनिल मेदवेदेव की स्पीच नहीं सुनी है तो मैं आप सभी से, विशेष रूप से युवाओं से कहूंगा कि उनके इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये वे क्षण होते हैं जो हार जीत से बहुत परे होते हैं। हार जीत कोई मायना नहीं रखता है, जिंदगी जीत जाती है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को कहा गया है। हमारे पूर्वजों की सोच सचमुच में काबिले दाद है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विनय उपेता हरति, न चेतासी कास्य मनुजस्य, मणि कांचन संयोग जनयति लोकस्य लोचन आनंदम। यानी जब किसी व्यक्ति में योग्यता और विनम्रता एक साथ समाहित हो जाए तो वो फिर किसका दिल नहीं जीत सकता है। वास्तव में इस युवा खिलाड़ी ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है। मेरे प्यारे देशवासियों और खास करके मेरे युवा मित्रों, मैं अब जो बात करने जा रहा हूं वो सीधा सीधा आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। वाद विवाद चलते रहेंगे, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, लेकिन कुछ चीजें बढ़ने से पहले ही अगर रोक लेते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। जो चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत फैल जाती हैं, उसको बाद में रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर शुरू में ही हम जागरूक होकर के उसे रोक लें तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। इसी भाव से मेरा मन करता है आज खास करके मेरे युवाओं से मैं जरूर कुछ बातें करूं।
हम सभी जानते हैं कि तंबाकू का नशा सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और इसकी लत छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऐसा हर कोई कहता है। तंबाकू से नशा उसमें मौजूद निकोटीन के कारण होता है। किशोरावस्था में इसके सेवन से दिमाग का विकास भी प्रभावित होता है। लेकिन आज मैं आपसे एक नए विषय पर बात करना चाहता हूं। आपको पता होगा कि हाल ही में भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामान्य सिगरेट से अलग ई सिगरेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ई सिगरेट में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ को गर्म करने से एक प्रकार का केमिकल धुआं बनता है। इसके माध्यम से निकोटीन का सेवन किया जाता है। सामान्य सिगरेट के खतरों को जहां हम सब भलीभांति समझते हैं, वहीं ई सिगरेट के बारे में एक गलत धारणा पैदा की गई है। ये भ्रांति फैलाई गई है कि ई सिगरेट से कोई खतरा नहीं है, बाकी सिगरेट की तरह इससे दुर्गंध न फैले इसके लिए इसमें सुगंधित रसायन तक मिलाए जाते थे। हमने आसपास देखा है कि अगर घर में पिता चेन स्मोकर होते हैं तो भी वो घर के बाकी लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं, टोकते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चों को सिगरेट की बीड़ी की आदत न लगे। उनकी यही कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य धूम्रपान न करे, स्मोकिंग न करे। वो जानते हैं कि स्मोकिंग से, तंबाकू से शरीर को भारी नुकसान होता है। सिगरेट के खतरे को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, उससे नुकसान होता है ये बेचने वाला भी जानता है, पीने वाला भी जानता है और देखने वाला भी जानता है। लेकिन ई सिगरेट का मामला बहुत ही अलग है। ई सिगरेट को लेकर लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वे इसके खतरे को लेकर भी पूरी तरह अनजान है और इसी कारण कभी कभी कौतूहल में ई सिगरेट चुपके से घर में प्रवेश कर जाती है और कभी तो कभी जादू दिखा रहा हूं ऐसा करके भी बच्चे एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। परिवार में माँ बाप के सामने भी, देखिए मैं आज नया जादू दिखाता हूं, देखिए मेरे मुंह में से मैं धुआं निकालता हूं, देखिए बिना आग लगाए बिना दिया सली जलाए देखिए मैं धुआं निकालता हूं, जैसे कोई जादू का शो दिखा रहा है और परिवार के लोग ताली भी बजा देते हैं। पता ही नहीं है एक बार जैसे ही घर के किशोर और युवा इसके चंगुल में फंस गए तो फिर धीरे धीरे विष नशे के आदि हो जाते हैं, इस बुरी लत के शिकार हो जाते हैं। हमारा युवा धन बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है, अनजाने में चल पड़ता है। वास्तव में ई सिगरेट में कई हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आप जानते ही हैं कि जब कोई हमारे आसपास धूम्रपान करता है तो हमें इसका पता गंध से ही चल जाता है। उसके जेब में सिगरेट का पैकेट हो तब भी गंध से पता चल जाता है, परंतु ई सिगरेट के साथ ऐसी बात नहीं है। ऐसे में कई किशोर और युवा जाने अनजाने और कभी फैशन स्टेटमेंट के रूप में बड़े गर्व के साथ अपने किताबों के बीच में, अपने दफ्तर में, अपनी जेब में, कभी कभी अपने हाथ में लेकर के घूमते नजर आ रहे हैं और वो इसके शिकार हो जाते हैं। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि नशे का यह नया तरीका हमारे युवा देश को तबाह न कर दे।